हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू उपमंडल की सीमा से गुजर रहे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शनिवार की रात को बड़ा हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बस में सवार 9 श्रद्धालु जिंदा जल गए, जबकि 2 दर्जन से अधिक बुरी तरह से झुलस गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हादसे के शिकार लोग पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मथुरा और वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बस में सवार पीड़ित महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि वे बनारस और मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए निकले थे। बस में करीब 64 लोग सवार थे कि अचानक बस में आग लगी और ये हादसा हो गया। हम लोग होशियारपुर से बस लेके आए, हमारे चाचा जी लेके आते हैं, तो हम लोग पहले मथुरा वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर इसके बाद फिर से हम यहाँ वृंदावन आ गए। तो वो रात क्या हमने जाना था, तो वही 1:45 ये आग लग गई। बस फिर हमें अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, इतना धुआं था कि सांस घुट रही थी, बस शीशे खोल के तोड़ के बस कैसे बाहर निकल रहे थे। सबको खुद की पड़ी, अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही सब भाग रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर आके सब गाड़ी वालों से सबने हेल्प मांगी, मगर किसी गाड़ी वालों ने किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने नहीं हेल्प की। एकदम से अचानक से क्या कहते धुआं धुआं होने लगा था, सब कहने लगा आग लगी, चिल्लाने लगे और खिड़की खोल के बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे, तो दरवाजा बाहर से बंद हो गया था, खुल नहीं रहा था। फिर सभी ने खिड़की खोल के जंप की, पता नहीं कौन आया कौन नहीं गया, इतनी भीड़ थी नहीं पता लगा। फिलहाल कुछ घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रोहतक पीजीआई व कुछ को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नवदेश टाइम्स के लिए नूह मेवात से मोहित कुमार की रिपोर्ट।